नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। वेब सीरीज एमकोर से डिजिटल वर्ल्ड में डेब्यू कर रही है जेनिफर विंगेट। सामने आया फर्स्ट लुक। वेल, टीवी की दुनिया में कई एक्ट्रेसेस हैं जो खूब सुर्खियों में रहती हैं, साथ ही अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। इन्हीं में से एक एक्ट्रेस हैं जेनिफर विंगेट। जेनिफर को आपने कई सीरियल में देखा होगा। जेनिफर की खूबसूरती को देखकर अच्छे अच्छों का दिल फिसल जाता है। जेनिफर को दर्शक बेहद पसंद करते हैं। पिछले दिनों जेनिफर बेहद और बेपनाह जैसे शोज में नजर आई थी और इन शोज में काफी पसंद की गई। उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, दर्शक उन्हें हर रोल में बेहद पसंद करते हैं। जेनिफर अब जल्दी डिजिटल डेब्यू करने जा रही है। दरअसल जेनिफर जल्द ही एम कोड नाम की वेब सीरीज में दिखेंगी। इस वेब सीरीज की चर्चा पिछले काफी दिनों से हो रही है। इस वेब सीरीज में पहली बार जेनिफर दिखेंगी और वो इसी से अपना वेब वर्ल्ड में डेब्यू कर रही है। आल्ट बालाजी के इस वेब शो के लिए जेनिफर काफी एक्साइटेड है। हाल ही में जेनिफर का इसी शो से लुक सामने आया है। आप देख सकते हैं शानदार लुक में नजर आ रही है जेनिफर। जेनिफर आर्मी ऑफिसर के रोल में नजर आ रही है। जेनिफर का लुक वाकई गजब दिख रहा है। सैन्य वकील के किरदार को निभाने जा रही जेनिफर शो में मोनिका के रोल में नजर आएंगी। मोनिका मेहरा नाम की लड़की के किरदार में जेनिफर दिखेंगी। मोनिका थोड़ी सी भुलक्कड़ है और खुश मिजाज और जिंदा दिल अंदाज की है। इस रोल के लिए जेनिफर ने काफी तैयारी की है। रिपोर्ट्स की माने तो जेनिफर ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक आर्मी ऑफिसर के किरदार को निभाने के लिए मैं वाकई काफी एक्साइटेड हूँ। जब आप इस तरह के किसी किरदार को निभाते हैं तो आप पर कई तरह की जिम्मेदारियाँ रहती हैं। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए काफी चैलेंजिंग होगा, इसीलिए मैंने इस रोल को चुना। बता दें, पिछले दिनों खबर आई थी कि जेनिफर जल्द ही बेहद 2 में भी नजर आएंगी। हालांकि अभी तक इस शो की कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें, जेनिफर सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं और टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस और फोटोज शेयर करती रहती हैं। जेनिफर हर लुक में बहुत ही शानदार नजर आती हैं, फिर चाहे ट्रेडिशनल लुक हो या फिर वेस्टर्न। और अब जेनिफर से जुड़ी एक बड़ी खबर, वेब वर्ल्ड में हो गई है उनकी एंट्री। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।